वेलकम स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी अजे तक चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो इस नू हुणे सबसक्राइब कर लो ताकि साडियां सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनज तुहानू जल्द तो जल्द मिल सकन। हाँ जी, आने अज दी इस वीडियो दे विच आपां 7th क्लास दे चैप्टर 8 दी थर्ड एक्सरसाइज है, जो चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी कि राशियां की तुलना, उसे थर्ड एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है प्रॉफिट लॉस ते सिंपल इंटरेस्ट दे उपर, उदे क्वेश्चन नू करांगे सोल्व। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने कोल, फाइंड व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ते ऑलसो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। हाँ जी, पहला आपां प्रॉफिट या लॉस पता करना है, फिर जे प्रॉफिट होया तां प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, ते लॉस दे केस दे विच लॉस परसेंट भी पता करना है। हाँ जी, आ है बॉट फॉर दिस मच एंड सोल्ड फॉर दिस मच गार्डनिंग शेयर्स। हाँ जी, अपने कोल जिहड़ी है आह हो जाएगी जिन्ने दी खरीदी है कोई चीज़, वह हुंदा सीपी यानी कि खरीद मुल। सो खरीद मुल यानी कि सीपी कोस्ट प्राइस जिन्हों आप बोलते हैं, वह दिती हुई है रुपीज़ 250, ते वेच मुल जिन्हों असी एसपी बोलते हैं वह दिती हुई है रुपीज़ 325। हाँ जी, सैलिंग प्राइस यानी कि वेच मुल है वड्डा, एसपी है वड्डी सीपी तो यानी कि खरीद मुल तो, ता होएगा अपने को लाभ यानी कि गेन। सो गेन यानी कि लाभ, ते जिहड़ा वड्डा हुंदा उहदे विचों छोटे नूं घटाया जाएगा, एसपी माइनस सीपी यानी कि वेच मुल माइनस खरीद मुल। हाँ जी, वेच मुल 325 दे विचों 250 नूं सबट्रैक्ट कर देंगे, 75 रुपीज़ दा हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि लाभ यानी कि गेन। तो इस तो बाद प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट ओवर सीपी इनटू 100। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस जगह लिख सकते हैं लाभ बटे सीपी यानी कि खरीद मुल गुणा 100। हाँ जी, भरते हैं वैल्यूज़, प्रॉफिट आया 75 ओवर सीपी जो कि सी 250 इनटू 100। हाँ जी, एक जीरो कट्टी गई, उस तो बाद 25 दे टेबल दे विच 75 आंदे 3 ते 3 ते आह 10 मल्टीप्लाई होके 30% आ जाएगा इस दा आंसर अपने को लाभ प्रतिशत। हाँ जी, आ जाने दूजे क्वेश्चन ते, रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज है जिहड़ा, वह 12,000 रुपये का खरीदया गया ते 13,500 का वेचा गया। हाँ जी, अगेन अपने कोल जिहड़ी एस पी है वह वध है, खरीद मुल ते वेच मुल सीपी खरीद मुल 12,000 यानी कि खरीद मुल, ये पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट खरीद मुल लिख सकते हैं, एस पी यानी कि वेच मुल जो कि है रुपीज़ 13,500। हाँ जी, वह एस पी ते सी पी भी लिख सकते हैं इनू। सो जेकर तुसी पंजाबी दे विच नाल नहीं लिखना चाहते तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि तुसी लिखना ही लिखना है। हाँ जी, इत्थे भी अपने कोल एस पी है जिहड़ी वड्डी है वह सी पी तो, वेच मुल वड्डा है खरीद मुल तो, ता होएगा अपने को लाभ यानी कि गेन, एस पी माइनस सी पी पिछला ही फॉर्मूला, 13,500 दे विच्चों 12,000 नूं घटाया जाएगा तो 1,500 यानी कि 1,500 रुपए का हो जाएगा लाभ। उस तो बाद गेन परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत जो कि हुंदा गेन यानी कि लाभ बटे सी पी यानी कि खरीद मुल गुणा 100 दे बराबर। सो लाभ होया 1,500 दा, सी पी खरीद मुल 12,000 गुणा 100। हाँ जी, आ दो जीरोज कैंसल हो गई, एक जीरो इत्थे कैंसल हो गई, 6 दे टेबल च कटिंग कर लेने, 6 × 12 ते इत्थे 6 दे टेबल दे विच अपने कोल 6 × 12 3 30 6 × 5 30 25/2। सो इनू जेकर आपां कन्वर्ट करना होएगा डेसिमल दे विच 25 नूं 2 ते डिवाइड कर देंगे, 25/2
दो एकम दो, फिर पंज, दो दूनी चार, सबट्रैक्ट करके वन, इत्थे पॉइंट इत्थों जीरो नीचे, तां 2 5 10 इहदे नीचे आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, सो 12.5 मिल जाएगा। सो 12.5% दूजा आंसर इसका। हाँ जी, आ जाने अगले पार्ट ते। अ कबोर्ड बॉट फॉर दिस मच, कोई अलमारी है 1,000 रुपये की खरीदी गई, तो 2,500 की खरीदी, 3,000 की वेच दी, फिर दोबारा ये भी लाभ होएगा 2,500 तो 3,000। सी पी 2,500 तो एस पी रुपीज़ 3,000। एस पी वड्डी है सी पी तो लाभ यानी कि गेन जो कि आंदा है एस पी माइनस सी पी करके। सो 3,000 दे विच्चों 2,500 नू सबट्रैक्ट करांगे, रुपीज़ 500 दा आ गया अपने कोल गेन। तां गेन परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत गेन ओवर सी पी इंटू 100। सो गेन है 500 दा ओवर सी पी 2,500, 2,500 इंटू 100। हाँ जी, आ दो जीरोज़ कैंसल हो गई, 25 दे टेबल च यदि कटिंग करते हैं 2 20 आ जाएगा। सो 20% आ जाएगा इसका आंसर अपने को। आ जाने इस दे लास्ट पार्ट ते। हाँ जी, अ शर्ट बॉट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड फॉर 150, 250 की खरीदी तो 150 की वेच दिती। हाँ जी, सी पी है 250 रुपये, एस पी है रुपीज़ 150। इत्थे सी पी वड्डा हो गया एस पी तो, जदों खरीद मुल वड्डा हो जाए वेच मुल तो होंदी है हानि, हानि यानी कि लॉस आंदा है, फार्मूला होंदा है सी पी माइनस एस पी। सो 250 माइनस 150, रुपीज़ 100 दी हो गई हानि। उस तो बाद लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत यानी कि लॉस बटे सी पी इंटू 100, तो लॉस होया 100 दा, तो उस तो बाद नीचे सी पी 250, नीचे सी पी ही आनी है चाहे अपना प्रॉफिट परसेंट कढ़ीए चाहे लॉस परसेंट इंटू 100। हाँ जी, 1 0 कैंसल हो गई, 25 दे टेबल दे विच 100 आंदा है 4 ते, आ 4 ते 10 नू मल्टीप्लाई करके 40% आ जाएगा इसका दूजा आंसर। सो ये नाल होया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, आने सेकंड क्वेश्चन ते। आ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 735, कोई शॉपकीपर है वो चीज़ 735 की खरीदद है तो वेचद 850 की, तो वह प्रॉफिट या लॉस पता करना है अपना। हाँ जी, 735 तो 850 दो फिगर्स याद रखने वाली ने। सो सी पी है यानी कि अपने को रुपीज़ 735, सी पी मीनस खरीद मुल। उस तो बाद वेच मुल यानी कि एस पी है अपने को रुपीज़ 850, तो इतने देखते पे हाँ कि एस पी वड्डी है सी पी तो होएगा प्रॉफिट यानी कि, सो इन प्रॉफिट ही लिख लें आप, प्रॉफिट यानी कि लाभ एस पी माइनस सी पी। एस पी हाँ जी 850 माइनस सी पी 735, किन्ने का हो गया 115 रुपये का लाभ यानी कि प्रॉफिट हो गया। सो यह आ जाएगा अपने को इसका आंसर, क्योंकि ये अपना कल्ला प्रॉफिट या लॉस ही पता करना सी। हाँ जी, आ जाने आप नेक्स्ट क्वेश्चन ते, थर्ड क्वेश्चन। कीर्ति बॉट सारी एक साड़ी खरीदी 2,500 रुपये की एंड सोल्ड इट फॉर 2,300, फाइंड हर लॉस एंड लॉस परसेंट। 2,500 की खरीदी 2,300 की वेची, तो लॉस यानी कि हानि ते हानि प्रतिशत दोनों चीज़ आपां पता लगानियां ने। हाँ जी, सी पी खरीद मुल रुपीज़ 2,500, एस पी यानी कि वेच मुल रुपीज़ 2,300, ते सी पी वड्डा है एस पी तो लॉस होएगा यानी कि हानि। सी पी माइनस एस पी यानी कि 2,500 माइनस 2,300 यानी कि रुपीज़ 200 दी होगी हानि। उस तो बाद लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत बराबर लॉस यानी कि हानि बटे सी पी यानी कि खरीद मुल गुणा 100।
ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਟਰਮਸ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੌਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 200 ਦਾ, ਓਵਰ ਸੀ ਪੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ 2500 ਦੀ ਗੁਣਾ 100, ਹਾਂਜੀ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। 25 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 200 ਆਉਂਦਾ 8 'ਤੇ, ਸੋ 8% ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਵੋਜ ਸੋਲਡ ਫੋਰ ਰੁਪੀਜ਼ 252, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 252 ਦੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਵਿਦ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 5%, 5% ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਵੱਟ ਵੋਜ ਇਟਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 252 ਅਤੇ 5% ਦਾ ਲਾਭ। ਸੋ ਐੱਸ ਪੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 252 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ 5%, ਤਾਂ ਸੀ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਪੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੀ ਪੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐੱਸ ਪੀ ਇੰਟੂ 100 ਓਵਰ 100 ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਐੱਸ ਪੀ ਹੈ 252 ਗੁਣਾ 100 ਬਟੇ 100 ਪਲੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ 5। ਸੋ 252 ਇੰਟੂ 100 ਓਵਰ 105, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 20, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 21 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ, 21 ਏਕਮ 21, 4 42, 21 ਦੂਣਾ 42, ਫਿਰ ਆ 12 ਅਤੇ 20 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਦੂਣਾ 24, 240 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਏਜ਼ ਅ ਬੁੱਕ ਫੋਰ ਰੁਪੀਜ਼ 275, 275 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਇਟ ਐਟ ਅ ਲੋਸ ਓਫ 15%, ਹਾਓ ਮੱਚ ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਇਟ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 275 ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ 'ਤੇ ਲੋਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 275 ਅਤੇ 15%, 275 ਸੀ ਪੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ 15%, ਤਾਂ ਐੱਸ ਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਮਾਈਨਸ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਓਵਰ 100, ਆਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੂ ਸੀ ਪੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 100 ਮਾਈਨਸ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 ਬਟੇ 100 ਗੁਣਾ ਆਹ ਸੀ ਪੀ ਹੈ 275। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 85 ਓਵਰ 100 ਇੰਟੂ 275। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 100 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ 275 ਨੂੰ 85 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 25 2 35 ਅਤੇ 2 37, 3 ਕੈਰੀ ਕਰੇਗਾ, 10 ਅਤੇ 3 13, 40 4 ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ, 56 'ਤੇ 4 66, 16 'ਤੇ 6 22, ਇੱਥੇ 5 7 3 3 2, ਸੋ 23375 ਓਵਰ 100 ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 233.75, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ 2 ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 6th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਜੂਹੀ ਸੈਲਸ ਅ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਫੋਰ ਰੁਪੀਜ਼ 13,500, ਇਹ ਐੱਸ ਪੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਲੂਜਿਸ 20% ਇਨ ਦਾ ਬਾਰਗੇਨ, 20% ਘੱਟ ਗਿਆ। ਵੱਟ ਵੋਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਬੋਟ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੀ ਪੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਐੱਸ ਪੀ 'ਤੇ ਲੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐੱਸ ਪੀ 13,500 ਅਤੇ ਲੋਸ 20%। ਹਾਂਜੀ ਐੱਸ ਪੀ 13,500 ਅਤੇ ਲੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ 20%।
सो सी पी है जिहड़ी उह आपां पता लगाउणी चाहुंदे आ। सी पी दा फॉर्मूला एस पी इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंट। एस पी 13,500 इंटू 100 ओवर 100 माइनस लॉस है 20% का, सो 13,500 इंटू 100 ओवर 80। हाँ जी, आ जीरो कैंसल होगी। उस तो बाद दो दे टेबल ते एदी कटिंग करके 4 ते एदी कटिंग कर लेने हैं, मिल जाएगा 5। फिर एदी कटिंग दो ते एदी भी दो ते कर लेने हैं कटिंग, तो 6 2s are 12, 7 2s are 14, 110 50। फिर 2 ते एदी कटिंग हो जाएगी, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 1 5 15, 7 2s are 14 5। सो 3 3 7 5, इनू 5 ना मल्टीप्लाई कर लेने हैं, 3 3 7 5 इंटू 5, 5 5s are 25, 2 35 ते 2 37, 3 15 ते 3 18, 1 15 ते 1 16, सो 16,875, 16,875 इन्ने रुपीज़ आ जाएगी सी पी अपने कोल। सो ये क्वेश्चन होया कंप्लीट अपने कोल। आ जाने फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अनीता टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज़ 5,000 एट 15% पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल बाद कहिंदा उहनूं 5,000 जिहड़ा लोन लिया 15% ते उहदे बदले उहनूं किन्ना इंटरेस्ट है जिहड़ा उह मोड़ना पएगा। हाँ जी, मूलधन ब्याज ते दर इह हैगीआं ने अपने कोल, जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा एस आई दा सिंपल इंटरेस्ट आ हुंदा अपने कोल, प्रिंसिपल मूलधन यह है रुपीज़ 5,000, इनू बोलते हैं असी मूलधन। रेट है 15%, इनू बोलते होंने आपां दर। तो समा यानी कि टाइम है 1 ईयर यानी कि 1 साल। सिंपल इंटरस्ट हुंदा पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। वैल्यूज़ भर लिए तो 5,000 इंटू रेट 15 इंटू टाइम 1 ओवर 100। आ दो जीरोज़ नाल कैंसल, इन्हों मल्टीप्लाई करके 15 5 75, 750। सो 750 रुपीज़ आ जाएगा इसका आंसर अपने कोल। इन्ना ब्याज है जिहड़ा ये देना पएगा। हाँ जी, इनू लिख सकते हैं आप साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस तरह लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैनू उम्मीद है जिहड़े अज आपां इह क्वेश्चन सोल्व किए ने तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तां तुसीं मैनू कमेंट करके या वट्सएप के थ्रू पूछ सकते हो। तो वीडियो चंगी लगी हुई तो इसनों लाइक करना, तो अपने होर फ्रेंड्स तो स्टूडेंट्स के नाल शेयर जरूर करना।